आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष अंक आजाद बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शंभुनाथ चौधरी। झारखंड में स्थानीय नीति का दिन एक बार फिर बोतल से बाहर आता दिख रहा है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य का उदय हुआ था, तभी यह सवाल बहुत प्रमुखता के साथ उठा था कि झारखंड में स्थानीय कौन। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार ने 2002 में स्थानीय नीति को पहली बार परिभाषित किया था, जिसमें 1932 के खतियान को आधार माना गया था। इस पर किस तरीके का बवाल हुआ ये हम सभी जानते हैं। बवाल इस हद तक बढ़ा था कि बाबूलाल मरांडी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। बाद में 2014 में जब रघुवर दास की सरकार बनी, तब स्थानीय नीति एक बार फिर नए सिरे से परिभाषित हुई, वह भी पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। कल दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के मौके पर एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें यह बात सर्वसम्मति से पारित की गई कि झारखंड की स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर होगी। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आजाद सिपाही के प्रधान संपादक श्री हरिनारायण सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि नीति के विभिन्न पहलू क्या हैं और किस तरीके के पेच सामने आने वाले हैं। सर, सबसे पहले ये सवाल कि स्थानीय नीति का जिन्न जो है वो एक बार फिर बाहर आता दिख रहा है, क्या असर होगा इसका झारखंड की सेहत पर? शंभु जी, ये सचमुच में झारखंड के लिए बहुत दुखद है कि 20 साल हो गए इसके बने हुए और अभी तक एक सर्वमान्य स्थानीय नीति नहीं बन पाई। बिल्कुल, सब सरकारों ने अपने अपने लिहाज से, जब बाबूलाल आए तो उन्होंने अपने लिहाज से सरकार स्थानीय नीति बनाई, रघुवर जब दास आए तो अपने हिसाब से उन्होंने परिभाषित की, और अब जब हेमंत सोरेन आए हैं सत्ता में, तो चूंकि इन्होंने जनता से कमिटमेंट किया था, चुनाव में इन्होंने मुद्दा दिया था कि हम 1932 के खतियान को लाएंगे, घोषणा पत्र में ये जाहिर था। तो जाहिर सी बात है कि अपने जब उसी बिना पर जब ये जीत के आए हैं तो इनको जनता के से जो वादे किए गए उसको तो करना होगा। लेकिन है क्या कि क्या मतलब जो बाबूलाल मरांडी ने जो नीति लाई, रघुवर दास जो नीति लाए और ये जो नीति ला रहे, तो क्या ये मतलब इस बार भी ला रहे हैं तो क्या ये झारखंड को सर्वमान्य तरीके से मतलब स्वीकार्य होगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बाबूलाल लाए थे स्थानीय नीति लाए, उस समय झारखंड में रक्तपात हुआ, हिंसा हुई, 7-7 लोग मारे गए, दोनों तरफ से मारे गए। बाबूलाल मरांडी ने माना था कि ये बहुत बड़ी गलती हुई और वो 3-4 साल तक मानते रहे, मतलब अभी तक उनके मन में एक पश्चाताप है कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की और उसी की आंच में वो झुलसे। दोबारा जब रघुवर दास जब भाजपा सत्ता में आई तो 2016 में रघुवर दास ने एक नीति बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि 1985 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ स्थानीय माना जाएगा और उनको इसमें उन्होंने शामिल किया। और अब जब हेमंत सोरेन आए हैं तो ये कह रहे हैं कि 1932 के खतियान को मानेंगे, क्योंकि जो सर्वे रिकॉर्ड्स है, भूमिका रिकॉर्ड्स है, सब ये 1932 में ही हुआ था, उसके बाद कुछ हुआ नहीं जी। तो इन्होंने चूंकि वादा किया, पहले भी मैंने कहा कि इन्होंने वादा किया तो करेंगे, लेकिन शंभु जी एक सबसे बड़ा इसमें जो पेच आएगा हेमंत सोरेन के लिए कि इनके साथ गठबंधन में दो दल हैं जी, जिसमें से एक राष्ट्रीय जनता दल है लालू प्रसाद यादव। हाँ। अब ये है कि क्या वो राष्ट्रीय जनता दल जो है ये 1932 के खतियान पर जो स्थानीय नीति बनेगी उसका क्या वो समर्थन करेगा। दूसरा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके मतदाता भी कई तरह के हैं, आदिवासी भी हैं, दूसरे भी हैं, तो क्या वो उतनी ही सहजता से, जिस सहजता से जिन्हें इसको लागू करना चाह रहा है कांग्रेस, उसी सहजता से लागू करने देगी? और क्या अगर मान लीजिए लागू भी हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसको ये झारखंड में अमन चैन और शांति लाएगा, मतलब ये कानून लाएगा कि नहीं लाएगा। अगर मान लीजिए लाता है तब तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है, और कहीं अगर एक बार फिर अगर बवाल होता है, हिंसा होता है, तो झारखंड एक बार फिर निचले पायदान पे चला जाएगा और इस सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं ये कठिनाई पैदा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सचमुच में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस पर सोच समझ करके सरकार को, चूंकि कमिटमेंट के आधार पर सरकार को जनता ने बहुत बड़ा बहुमत दिया है, तो कोई भी स्टेप सोच समझ के और जनता के विचार से ही ये लाया जाना चाहिए। दल तो अपनी मांग करेंगे ही, दल तो चूंकि उसके आधार पर आए हैं, अब इसको हमें लगता है कि परिपक्व राजनेता है हेमंत सोरेन, देखिए वो क्या करते हैं जी। झारखंड
के पॉपुलेशन का जो फैब्रिक है उसमें 20% लोग ऐसे हैं जो बिहार और दूसरे राज्यों से आकर बसे हैं, चाहे वो कोलियरी खुलने के बाद 1952 कोयलांचल में, धनबाद, जमशेदपुर और जो महानगरों में, वो एक पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसी है जो बाहर से आई लेकिन उसने अपना रोजी रोजगार यहाँ पे तलाशा। अब जरूरत यह है कि उनके हितों का क्या होगा। अगर 1932 के खतियान की बात करते हैं तो उनके हित, क्योंकि वो भी लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, उस आबादी का क्या होगा, ये सवाल बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा हेमंत सोरेन के लिए। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं होगा जो 20% जो बाहर के लोग आके बसे हैं, हमें लगता है कि झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 1932 का खतियान नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब सब लोगों के पास जमीन नहीं है और आज भी वो भाड़े पे, किराए पे या सरकारी जमीन पर दखल करके रह रहे हैं। तो ये तो हम कह रहे हैं कि लागू करने के पहले हेमंत सोरेन सरकार को, हेमंत सोरेन के इस पर एक एक चीज पे नजर रखनी होगी, ध्यान रखना होगा। और कानून लागू करना बड़ी बात नहीं होती है, उस कानून को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। जनता में अगर स्वीकार हो जाता है, सब स्वीकार होता है तो वो व्यक्ति जो है हीरो बन जाता है, और स्वीकार नहीं होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है। तो हमें लगता है कि हेमंत सोरेन कुछ भी लागू करने के पहले जरूर इस पर स्टडी करेंगे, लोगों से रायशुमारी करेंगे, बात करेंगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। हालांकि जेएमएम तो दबाव डालेगा ही क्योंकि उसको अपना वादा निभाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अगर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का वादा किया है तो उसका एक अहम वादा ये भी है कि वो 6 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का भी वादा करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में ये बात थी। सवाल ये है कि अगर स्थानीय नीति का पेच फंसा और क्या इतनी जल्दी अगर स्थानीय नीति नहीं सुलझी तो उनका ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा, उनका ये वादा पूरा हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, निश्चित रूप से आपने जो पूछा है, और ये सवाल जो है बहुत कठिन भी है, इसका जवाब बहुत कठिन है। कठिन इन द सेंस है कि ये तो तय है कि जैसे ही स्थानीय नीति नए तरीके से फिर आएगी तो एक बार कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष के लोग इसके खिलाफ मतलब विरोध में आवाज़ उठाएंगे, या जब विरोध में आवाज़ उठाएंगे तो चीज़ें एक बार पटरी से नीचे जाएंगी। तो बहुत आसान नहीं होगा ऐसी परिस्थिति में, अगर मान लीजिए अगर नया लाते हैं, जब स्वीकार होगा फिर उसके आधार पर करेंगे तो उसके लिए भी समय चाहिए, कम से कम 6 महीना, 1 साल नई नीति लाने के बाद और चीज़ों को पटरी पर लाने के लिए उनको 1 साल का समय चाहिए। तो फिर जो वादा है कि 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर हम रोजगार देंगे, उसमें एक ब्रेक तो आएगा, लेकिन ये हमको लगता है कि वो बेहतर समझ रहे हैं कि क्या उनको करना है इस पे। ये चूंकि उनके हिस्से की बात है तो उस पे ज़्यादा हम लोग तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ वाच ही कर सकते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर स्थानीय नीति तत्काल अगर नई स्थानीय नीति लागू करते हैं तो जो समयबद्ध तरीके से जो नौकरी देने की बात का वादा किया है उन्होंने, वो शायद उसमें तो एक पेच फंसेगा। जब छत्तीसगढ़ भी झारखंड के साथ बना था, वहाँ राज्य स्थापना दिवस की तिथि से ही जो लोग रह रहे थे उनको स्थानीय माना गया। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या यह नीति व्यवहारिक हो सकती है क्या? ये राय जरूर व्यक्तिगत होगी आपकी, लेकिन एक नजरिया जरूर सामने आना चाहिए। देखिए क्या है कि छत्तीसगढ़ जब बना तो छत्तीसगढ़ की नीति जब मतलब वहाँ जब सरकार आई तो वहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर उसने बनाया। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी आबादी, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, मतलब सब जगह की आबादी एक वहाँ पे थी और सबका वो कंट्रीब्यूशन वहाँ माना गया। लेकिन झारखंड में आप देखिएगा कि वोट की राजनीति के कारण शुरू से यहाँ बाहरी भीतरी का सवाल उठता रहा है, दिकू ये फलान ठेकान अपने अपने तरीके से लोग परिभाषित करते रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखिए क्या है कि कोई भी अगर एक डेट ऑफ कट ऑफ डेट लेके चलिएगा तो मान के चलिए कोई सर्वमान्य नहीं हो सकता, वो किसी को रास नहीं आएगा। अगर स्थापना काल से भी कर जिस समय झारखंड की घोषणा हुई, जिस दिन झारखंड बना 2000 से, उस समय भी करेंगे तब भी बवाल होगा, आप 32 में जाएंगे तब भी बवाल होगा, 85 में जब रघुवर दास ने किया तब भी बवाल हुआ है। अब चूंकि एक बार जब किसी चीज को लेकर विवाद हो जाता है तो उस विवाद को पाटना, असहज स्वीकार करना सच में बहुत मुश्किल होता है इस मुद्दे पे। उसमें जब इसमें वोट की राजनीति इसमें है, मान लीजिए अगर हेमंत सोरेन का सही भी करना चाहेंगे तो जो विपक्ष में बैठा हुआ आदमी है बहुत सहजता से वो नहीं करना चाहे, वो तो विवाद करना चाहेगा ही। झारखंड बनने के बाद 6 बार ऐसे मौके आए कि सर्वदलीय बैठक हुई इस मुद्दे पे, लेकिन तब भी गतिरोध दूर नहीं हुआ। तो क्या ये माना जाए कि ये नीति ऐसी है या झारखंड का सवाल ऐसा है, यहाँ स्थानीयता का सवाल है कि जिसका सर्वमान्य हल निकलना बेहद कठिन है? देखिए जो हम भी मुझे ध्यान है अच्छी तरह से कि जब जब भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो हमें लगता है कि दलों का जो सर्वमान्य नेता था, जो बड़ा नेता था, वो बैठक में नहीं जाता था, वो बैठक सरकार की बैठक बनकर रह जाती थी
और जाते भी लोग थे तो नीचे प्रवक्ता टाइप के लोगों को वहाँ भेज दिया जाता था, जिनको कुछ कहने का अधिकार ही नहीं होता, सिर्फ सुन के चले जाते थे। सच कहा जाए तो ऐसे मामलों में सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सबके विचार, और अगर ईमानदारी से वो अगर विपक्ष में भी है भाजपा भी है तो उसको जाना चाहिए सर्वदलीय बैठक में, अपनी बात रखनी चाहिए, राजद को रखनी चाहिए, कांग्रेस को रखनी चाहिए, जेएमएम को रखनी चाहिए, वामपंथियों को रखनी चाहिए, सिवाय दूसरे मंच पे जाकर के दूसरे तरह की बात करने के लिए। अगर सर्वदलीय बैठक के सारे अगर कोई राय या नीति बनती है तो शायद सब लोग उसको मान लेंगे, क्योंकि देखिए 3.5 करोड़ जो लोग हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से किसी न किसी वार्ड से जुड़े हुए हैं, और दल जब कोई दल अगर उनके सामने कोई एजेंडा लेके जाएगा तो जो उसके समर्थक हैं लोग हैं वो तो उसको मानेंगे। तो होना चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, बैठक ही नहीं उसमें ईमानदारी से सभी लोगों को शिरकत करके कहीं ना कहीं सर्वमान हल निकालना चाहिए। जी जरूर, एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीयता से इतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह में जो और एजेंडे पेश हुए उन पे थोड़ी बात करना चाहूँगा। वो ये कि जेएमएम ने वादा किया है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो है उसको वापस लिया जाएगा और सीएनटी एसपीटी एक जो मूल स्वरूप में है उसको फिर से लागू किया जाएगा। उसमें दो चीजें हैं शंभु जी, हम दो चार पॉइंट हम पढ़ के सुना देना चाहेंगे लोगों को। क्योंकि जो जेएमएम ने स्मारक पत्र सौंपा है मतलब मुख्यमंत्री को, मतलब पार्टी ने जो सौंपा है, आला कमान को जो सौंपा है जिसपे शिबु सोरेन के हस्ताक्षर है, उसमें पहला ये तो किया है उसने कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट को झारखंड में सख्ती से लागू किया जाए। बिल्कुल 1932 के खतियान के आधार पे स्थानीय नीति परिभाषित हो। एक और मांग जो उसने किया है कि सीएए और एनआरसी को पूरी तरह से झारखंड में खारिज कर दिया। ये सब इसके चुनाव के जो वादे थे उसके अनुसार इन्होंने किया है। एक जो गलत तरीके से जो परिभाषित स्थानीय नीति है उसको वापस ले लिया जाए, 32 के खतियान पर अस्थिरता घोषित की जाए, भूमि अधिग्रहण बिल को तत्काल वापस लिया जाए जो रघुवर दास ने कराया था, हड़पी गई जमीन को वापस लिया जाए, मतलब उसके आधार पर अगर कोई जमीन किसी ने लिया है भूमि अधिग्रहण के आधार पे, यानी मान लीजिए कंपनियों ने लिया है या अडानी वडानी ने लिया है तो उसको तत्काल वापस किया जाए। सोहराय वंद्रा और कुसु पर्व को राजकीय पर्व घोषित किया जाए, ये भी एक मांग है। तो इत्तेफाक नहीं होगा, वनाधिकार कानून लागू किया जाए, इस पर भी कहीं कोई बीच नहीं है। एक और जो जनता से जुड़ी हुई मांग उसने रखा है कि हाल के दिनों में रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो बिजली के बिल बढ़ाए गए थे, दर जो बढ़ा था उस बुलाए कि उसको वापस लिया जाए, और होल्डिंग टैक्स में भी जो बेतहाशा वृद्धि हुई थी वो भी मांग की गई है सरकार से कि उसको भी आप तत्काल लीजिए। एक और जो है आपने देखा होगा जिसमें हिल गए थे रघुवर दास, हिल गए थे मोटरयान जो टैक्स नया टैक्स पर लगाया गया था, 2 दिन में ही लगा कि पूरा बवाल हो जाएगा, माने मतलब उसमें जो है फाइन काटने की होड़ लग गई थी, 50,000 काटना है, 2 लाख काटना है, 1.5 लाख काटना है, और हालत यह हो लगा कि पूरी जनता सड़क पर आ जाएगी। ये मांग की गई है कि फरमान वापस लेना पड़ा, उसको मांग किया गया कि मोटरयान में जो नया टैक्स लगाया गया है उसको पुनर्विचार करके उसको वापस दिया जाए, ये भी जनता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ मांग। इसके बाद कहा गया कि तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में पूरी तरह से वो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित, जबकि रघुवर सरकार में 13 जिलों में जो अनुसूचित जिले थे उसमें 13 जिलों में यह था कि पूर्ण रूप से तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां उनको दिया जाए, 11 जिले सामान्य थे उसमें कोई भी जा सकता था, वहां पर जेएमएम ने कहा कि नहीं 24 के 24 जिलों में ही ये नीति लागू हो। इसके साथ ही उसमें संथाली भाषा, बांग्ला भाषा और जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए किया है कि उसको सुनिश्चित कराया जाए और उसमें उसकी डिग्री की मान्यता हो, मतलब परीक्षा में बैठने की ये हो। इसके अलावा दुमका में उच्च न्यायालय जी ये खंडपीठ स्थापित की जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से 200-250 किलोमीटर से लोग आएंगे रांची हाईकोर्ट में आते हैं, सही में 2 दिन लग जाता है उनको आने जाने में, फिर कोई बात होगी तो ये खंडपीठ वहाँ स्थापित की जाए। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहाँ 80% लोग जो है कृषि पर आधारित है, तो उसमें बोला कि उद्योग का दर्जा होने से बहुत सारी सुविधाएं उसको मिल जाती है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा जो मतलब रघुवर सरकार के बिल्कुल उलट जी, बिहार की तर्ज पर मांग जेएमएम ने ये मांग की है कि झारखंड को पूरी तरह से नशा मुक्त किया जाए, मतलब शराब की शराब बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है जेएमएम जैसी पार्टी। और ये सही बात जानते हैं, गुरुजी शुरू से जब से थे शिबू सोरेन जी की ये महत्वाकांक्षा रही है, एकदम इच्छा रही है
ये नशा मुक्त हो, बार बार ये समझाते थे जाते थे, ये बड़ा फैसला है। आज की तारीख में ये मांग करना, जेएमएम की तरफ से मांग करना कि नशा मुक्त हो, ये कहीं ना कहीं लगता है ये समाज का साहसिक है और कहाँ लेके जा रहा है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा स्वागत है। इसके अलावा एक और आपको देखा कि जब एक बार अल्पकाल के लिए ही जब शिवू सोरेन सरकार में आए थे, एक बार 13 दिन, एक बार 6 महीने के आसपास आए थे, या जब चुनाव में जाते थे, उनकी एक बहुत पुरानी मांग रही है कि कोल इंडिया के जो मुख्यालय कलकत्ता में है, DVC के जो मुख्यालय वहाँ पे है, आप यहाँ पर सारी चीज़ें स्थापित किया, मुख्यालय आपका कलकत्ता वो नहीं चलेगा, उसको रांची में लाया जाए, ये उनकी पुरानी मांग है, 20 साल से वो मांग करते रहे। फिर इस बार जेएमएम ने उसको दोहराया है कि इसको ये किया जाए। इसके अलावा जो है वृद्धावस्था, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, जो अभी शायद 600 या कितना मिलता है, एक वक्त नहीं है, उसको कहा गया कि नहीं ये कम है, कम से कम 3,000 रुपये वो मतलब किया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एकदम जनता से जुड़ा हुआ है, एकदम पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और जेएमएम ने इस बार बता दिया है कि नहीं, हमको सिर्फ जाति की राजनीति नहीं करनी है, क्षेत्र विशेष की राजनीति नहीं करनी है, हमको संथाल और कोल्हान में ही सिर्फ सिमट के नहीं रह जाना है, हमको झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों की राजनीति करनी है और सबके लिए करनी है। अगर स्थानीय नीति की बात को अगर हम छोड़ देते हैं तो इसमें जितनी टोटल चीजें आई हैं, इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है शंभू जी जिसको आप ये काट सकते हैं। बिल्कुल। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वो झारखंड के बुनियादी मुद्दों से जुड़े हुए हैं, और शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इन मुद्दों से इत्तेफाक न रखे। स्थानीय नीति का सवाल जरूर चुनौतीपूर्ण है, और ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार स्थानीय नीति पर कैसे एक सर्वमान्य राय बनाती है और राज्य को आगे लेकर जाती है। आज की बहस में बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है, आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।